पैसा बर्बाद बहन चो। जिनको सिर्फ ये जानना है ये मूवी देखने जाना भी चाहिए या नहीं, मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं। पैसा बचाओ और एक अच्छी मूवी देखने जाओ, और जिनको जानना है क्यों नहीं देखने जाए पूरी वीडियो देखो। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस मूवी को लेके, मुझे जुरासिक की सीरीज काफी ज्यादा पसंद थी। दो दिन पहले इसकी पुरानी मूवीज में सारी देखा हूँ। यही सोच के गया था कि पिक्चर बाकी सबसे थोड़ी बेटर होगी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट। मूवी में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ये बताओ, हम जुरासिक पार्क या जुरासिक वर्ल्ड में क्या देखने जाते हैं? ऑब्वियसली डायनासोर्स को। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में डायनासोर कम है, इंसान का बकचोदी ही ज्यादा है। मूवी का फर्स्ट हाफ इतना स्लो लग रहा था कि नींद आने लगी थी। मुझे ही नहीं, हॉल में जितने लोग थे उन सबको भी। तो सोच लो किस लेवल का मूवी है। और थिएटर में बहुत कम लोग आए थे, गिन चुन के 20 से 25 लोग होंगे, आधा का भी आधा था। इंटरवॉल के 10 मिनट पहले जाके कुछ एक्शन देखने को मिलता है, बाकी फर्स्ट हाफ में पूरी बकचोदी चल रही है। ऐसा लग रहा था तीन स्टोरी को एक पिक्चर में डाला गया है। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका रन टाइम, 2 घंटे 30 मिनट की पिक्चर है। इतना बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, 2 घंटे के अंदर निपट सकता था। मूवी में एक्शन ना के बराबर ही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट बाकी पार्ट की तरह तो एक्शन दिखाते, लेकिन नहीं, इनको तो बस हगना ही था। इससे अच्छा था 2015 वाली जुरासिक वर्ल्ड थी, एटलीस्ट वो पिक्चर लोगों को बोर तो नहीं करती है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने टीरेक्स आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए भाग जाओगे, ऑप्शन बी नाइफ लेके मारोगे, ऑप्शन 3 चिल्लाओगे, या ऑप्शन 4 चिल्लाने के साथ नाइफ से मारोगे। और इस पिक्चर ने चूज किया ऑप्शन 4, चिल्लाने के साथ नाइफ से मारना। सर रियल में अगर कोई खतरनाक कुत्ता भी आ जाए गांड फट जाती है, साला वो टीरेक्स है, वहीं गांड फट जाएगी तुम्हारी। गली का कोई कुत्ता नहीं है जो बार बार हाथ दिखा करके तुम उसे कंट्रोल कर लोगे, साला हाथ ही खा जाएगा। एक जगह पे प्लेन क्रैश होता है, तुमने ट्रेलर में भी नोटिस किया ही होगा। उतना खतरनाक क्रैश होने के बावजूद भी पिक्चर के एक्टर और साइड कैरेक्टर्स आराम से चल के निकल आते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यही चीज अगर बॉलीवुड में होता तो उस एक्टर की मां चोट दी जाती। हालांकि मैं सोचा कि फर्स्ट हाफ बोरिंग है, सेकेंड हाफ बेटर होगा जैसे कि बाकी सब मूवीज होता है, लेकिन वो भी वैसा ही निकला। एक जगह दो बड़े डायनासोर्स फाइट कर रहे होते हैं, सोचा अब कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, पर साला वो सीन 1 मिनट भी देखने को नहीं मिला ठीक से। इसमें क्लेयर का रोल क्या था? पिक्चर में नहीं भी होती, पिक्चर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस भाई इससे ज्यादा मैं और पिक्चर को याद नहीं करना चाहता हूँ, इस मूवी को भूल जाऊं वही अच्छी बात है। जाने से पहले कुछ अच्छी बात भी बता देता हूँ, डिसअपॉइंट करके तुमको भी नहीं जाऊंगा। VFX CGI काफी अच्छी है इसकी, जितने भी क्रिएचर देखने को मिलते हैं स्क्रीन पे काफी अच्छे लगते हैं देखने में, रियल फील आती है देखने को। हल्का हुल्का लाइट कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगा, हर जगह हंसी नहीं आएगी लेकिन कहीं कहीं भी आ जाएगी। कुछ लोग की एक्टिंग सही लगी, जैसे कि क्रिस प्रैट की, जेफ गोल्डब्लम, इजाबेल ओमर और अपने डायनासोर्स की। बाकी लोग का काम ठीक ठाक ही था। ये पिक्चर भाई मेरे लिए सरदर्द थी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, देखने जाना जाओ, नहीं तो हिला के सो जाओ। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगी मैं रिव्यू पार्ट के जाने वाला हूँ देखने, पैसा बर्बाद नहीं करना मेरे को अपना। तो इन्हीं सब बकचोदी के साथ, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट में अपना राय विचार जरूर रखना। किसी को अगर गाली देनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपके गाली देना। यहाँ पे यूट्यूब कॉमेंट डिलीट कर देगा अपने आप। और देखते रहिए सिनेमैटिक बस्ट।